असलम एवरी वन दिस इज डॉक्टर सहार चावला राइट एट योर सर्विस जैसे मैंने चार साल पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस का शोर मचाना शुरू किया प्रोबायोटिक्स का शोर मचाना शुरू किया फॉर ऑल द गुड रीजन और जिसका अलहमद्ल जो मुझे फीडबैक मिलता रहता है फ़ायदा भी हो रहा है वहाँ पर मैं एक डेढ़ साल से ऑटोम्यून डिजीजेस के बारे में भी बात कर रही हूँ और मैं एवं ही नहीं कर रही हूँ ऑटोम्यून डिजीजेज़ के बारे में बात इस वक्त हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली ड्रग है ग्लोबली वो, वो है जो ऑटोम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है और स्टार्ट ये कह रहे हैं कि कैंसर और मेटाबॉलोजी डिजेस के साथ साथ अब ऑटोम डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा सर्च पे हैं बिक आई हैव दिस सेम क्लाइंट प्रैक्टिस मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट पूल है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिसमें आप समझ लें कि डेली अगर 40 से 50 पेशेंट्स एनरोल होते हैं तो उसमें अब 20 से 25 ऑटो इम्यून डिजीज़ के एनरोल हो रहे हैं इसलिए मैंने इस पर और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बात करनी शुरू कर दी है ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही जिसम के मवाद के अगेंस्ट हो गया है या उन खानों के अगेंस्ट हो गया है जो खाने नॉर्मल हैं आप गजा से ले रहे हैं और से अपने अपने ही जिसम के अगेंस्ट आर्मी बनाना शुरू कर दिए और जिसम के सेल्स को तबाह करना शुरू कर दिया अब वो तबाही कहीं पर भी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल एलोपेशिया अरेठा अगर आपके पास वो गंजपन की सूरत में बैलेंस की सूरत में अपने आप को जाहिर करती है इसका मतलब है हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट आपके पास बन रहा एंटी है एंटीबॉडीज हैं अगर आपके गट के सेल्स की लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो रही है तो आपको आई हो रहा है इसका मतलब है आंतों में हो रहा है अगर आपको हाशी मोटस हो रहा है इसका मतलब है आपके ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं अगर आपके स्किन सेल्स के अगेंस्ट बन रही है सराइस हो रहा है एक्जिमा हो रहा है एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन सिस्टेमिक हो रहा है तो ये रोटाडाथ्राइटस की तरफ जा सकते हैं शॉग्रिंस की तरफ जा सकता है एसएलई की तरफ जा सकता है एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जैसे हर मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कोर चीज को समझने की ज़रूरत है मैं आज बात करने लगी हूँ वाइटमिन डी पर मैंने बहुत वीडियोस किए और वो बहुत वायरल भी हुई हैं लेकिन आज मैं बात करने लगी हूँ कि वाइटामिन डी का क्या रोल है ऑटो इम्यून डिजीज की मैनेजमेंट में आपके पास आपके इम्यून सिस्टम की नब्बे हज़ार जीन्स वाइटामिन डी पर मुनसर हैं नाइन्टी थाउजेंड जीन्स वाइटामिन डी पर डिपेंड करती हैं यानी आप समझ लें आपके इम्यून सिस्टम के हर हिस्से को वाइटामिन डी चाहिए मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बात की थी कि आपके पास जो टी का बैक्टीरिया होता है सबसे पहले जाके उसको पता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है जैसे किसी भी इन्वेडर को होता है ना कि किसी किले की सबसे मजबूत कड़ी क्या है और उस कड़ी को जाके तोड़ना है उसके बाद हम किले को फता कर सकते हैं तो टीबी के बैक्टीरिया को भी पता होता है या ऑटो इम्यून डिजीज भी जब स्टार्ट होते हैं उनको पता होता है कि वाइटामिन डी के होते तो हम फतेह याब नहीं हो सकते तो सबसे पहले जाके हमने वाइटामिन डी को टर्न ऑफ करना स्विच ऑफ करना उसके बाद वो अपना काम दिखाते हैं इसका मतलब है कि जितने भी लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उन सब के सब में वाइटमिन डी डेफिशंसी है तो कोर वैल्यू ऑफ जो कोर प्रिंसिपल है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट वो तो आपका यही होना चाहिए कि सबकी डाइट में ट्वेंटी थाउजेंड विटामिन डी डेली इंक्लूडेड होना चाहिए और खाली वाइटामिन इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए जिसमें गुड फैट की ज़रूरत होती है ऑटोम्यून uh, डिजीजे के साथ या जिस तरह मैं हार्मोल इश्यूज़ पर भी बात करती रहती हूँ uh, जब आप uh, सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं आप डाइट बनाते हैं आप लो फैट डाइट पर चले जाते हैं आपके पास uh, uh, अगर डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा गुड फैट नहीं होगा तो आपका वाइटामिन डी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता और वाइटामिन डी के साथ साथ तीन और फैट सॉलबल वाइटामिन वाइटामिन ए वाइटामिन ई और वाइटामिन के जिनको जिसमें जज्ब होने के लिए आपके पास बॉडी से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो लिवर से निकलता है और जाके पित्त में कॉन्सनट्रेट होता है बाइल उसकी प्रॉपर अमाउंट की जरूरत होती है अगर आपका बाइल मेजोरिटी फोर्टी से ऊपर लोगों का बाइल ठीक नहीं बन रहा होता ठीक तरह नहीं बन रहा है तो चाहे आपको ऑर्टामिन डिजीज नहीं भी आपके जिसमें वाइटामिन डी की कमी होगी अपनी डाइट में गुड फैट्स तो इंक्लूडेड रखें ही रखें बहरहाल मैं ये बताती चलूं कि नेचर के सबसे अच्छे गुड फैट्स आपके पास अंडे की जर्दियाँ होते हैं बड़ा गोश्त होता है देसी घी होता है नारियल का तेल होता है जैतून का तेल होता है आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक क्रिस्टम बाई साहर चावला से भी हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक का देसी घी ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स के शिपमेंट का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हर एक के इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक आप चेक कर सकते हैं जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे जो है मेरी ब्रांड लिंक आ रहा है मैंने हार्मोनल इश्यूज के लिए डायबिटीज के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि सक्सेसफुली लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं एनीवेज अब इसको आप ट्रीट किस तरह करेंगे आप एक तो अपनी डाइट में वाइटामिन डी इंक्लूडेड रखेंगे गुड फैट का सोर्स इंक्लूडेड रखेंगे जो मैंने आपको बताया है और एक रिलायबल बाइल सॉल्ट का सोर्स इंक्लूडेड रखेंगे स्पेशली अगर आप फोर्टी हैं या आप रिफाइंड बाइल सॉल्ट इंक्लूडेड रखेंगे टॉइस विद मील्स या आपके पास बाइल सोर्स का एक बड़ा जबरदस्त ऑल्टरनेटिव होता है इट्स अ काइंड ऑफ बाइल सॉल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं उन पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ जिनको आपके पास ऑटोम्यून uh, डिजीजेज होते हैं दैट इज कॉल्ड टडका टी यू डी सी ए इसको जो है वो आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे स्ट्रेस डिटॉक्स के साथ साथ एक और जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपका गट का माइक्रोबायम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो आपकी सत्तर परसेंट इम्यूनिटी आपके गट से आती है इसे मैं अक्सर कहती हूँ वो एक बड़ा फेमस स्लोगन है मैं उसको ममिक करके कहती हूँ कि मेरा स्लोगन ये नहीं है बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रॉन्ग मेरा स्लोगन है गट स्ट्रांग तो मैं स्ट्रॉग व लोग जिनको फाइबर सूट नहीं करता जिनको प्रोबायोटिक्स की आदत नहीं है आपने अपनी डोज को हमेशा स्लोली स्टेप अप करना है फाइव बिलियन सी एफ यूज टॉयस डेली विद मील से स्टार्ट करें बल्कि वर्क्स डेली विद मील से स्टार्ट करें और जैसे जैसे सूट करता है उसको ऊपर लेके जाते रहें यहां पर मैं बता दूं कि आपके पास कुछ लोगों में वाइटामिन डी रिसेप्टर की जेनेटिक म्यूटेशन भी होती है जिसको पॉलीमॉर्फिजम कहा जाता है उसका मतलब होता है कि आपकी वाइटामिन डी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है ऐसे लोग जो हैं वो पैदाइशी तौर पर वाइटामिन डी डेफिशेंट होते हैं और इनमें ऑटोम्यून डिजीज का चांस भी ज्यादा होता है आप इसको पिक कैसे कर सकते हैं कि आप में वाइटामिन डी की कमी है इसके लिए जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वाइटामिन डी की कमी के बारे में जो मैंने वीडियो की थी वो जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपको जेनेटिक म्यूटेशन और वाइटामिन डी रिसेप्टर की तो आप शुरू से अपने वाइटामिन डी की डोजेट का ख्याल रख सकते हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी आई है इन्फॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ